विश्व कप 2019 को शुरू होने में बस अब कुछ ही महीनों का समय रह गया है। ऐसे में सभी टीम अपने सबसे बेहतर खिलाड़ियों को आजमाना चाहती हैं। आपको बता दें कि ऐसे में युवराज सिंह को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। आपको बता दें कि युवराज सिंह भारत को 2007 और 2011 विश्व कप जितवाने में एक अहम भूमिका निभा चुके हैं। ऐसे में युवराज सिंह की वापसी हर कोई चाहता था कि मिडिल ऑर्डर में हो, क्योंकि मौजूदा भारतीय टीम मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रही है। ऐसे में युवराज सिंह अगर टीम में होते तो कहीं ना कहीं टीम को एक मजबूती मिलती, लेकिन युवराज का हालिया फॉर्म कुछ शानदार नहीं रहा। ऐसे में युवराज को अब देवधर ट्रॉफी में भी मौका नहीं दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि देवधर ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई ने तीनों टीमों का ऐलान कर दिया, जहां पर कप्तान दिनेश कार्तिक, अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर नजर आएंगे। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 45 खिलाड़ियों की सूची में युवराज सिंह का नाम दूर दूर तक नहीं है, यानी कि ये बात साफ हो जाती है कि बीसीसीआई की सोच में युवराज सिंह फिलहाल तो विश्व कप के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या युवराज की वापसी विश्व कप में हो पाती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।